नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको शॉर्ट में यूनिसेफ बोलते हैं, कल यूनिसेफ की चर्चा की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको पिछले करंट अफेयर से कोरिलेट करके रिविजन कराता रहूँगा, सो मैं कराता रहूँगा। ने किसको बच्चों के अधिकार के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ फॉर द कैंपेन फॉर चिल्ड्रंस राइट्स फॉर एवरी चाइल्ड। ऑप्शन है सुनील शेट्टी, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना। दिन के खबरों की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो मैं करंट अफेयर डिस्कस कर रहा था वो राहुल सर के टोन में डिस्कस कर रहा था, ताकि आपको जो करंट अफेयर सुनने की आदत है कानों में वो कंटिन्यूस चलती रहे। लेकिन आने वाले डे पे, जो कि मंगलवार होगा, उस पे मैं कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने वाला हूँ करंट अफेयर को लेके। बहुत सारे आपके नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव आए, उन सारे सुझाव को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, और कुछ मेरे खुद के सुझाव अपने आप से हैं कि मुझे करंट अफेयर को इस तरीके से और बेहतर बनाना चाहिए, समय कम लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देना चाहिए। सो इस तरीके का जो काम है वो मंगलवार से स्टार्ट होगा। और एक और जो चीज़ है कि ये जो अभी हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर ये हिंदी भाषी बच्चों के लिए होता है, और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो करंट अफेयर इस चैनल पर सुनना चाहते हैं और सुन नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ये जो पूरा का पूरा करंट अफेयर हो ये बायलिंगुअल हो, और मेरा फोकस थोड़ा सा होगा कि इंग्लिश वाले शब्दों के साथ मैं आपको करंट अफेयर समझा पाऊँ, जिससे आपके एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन हो पाए। आप जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इंग्लिश का थोड़ा सा रोल रहता है, तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। मैं जो पीपीटी आपको देता हूँ, जो पीडीएफ आपको देता हूँ, ये दोनों लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी भाषी बच्चा पढ़ लेगा, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश वाला पढ़ लेगा। समझा मैं बायलिंगुअल दूंगा, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलो फटाफट आज के दिन के करंट अफेयर की तरफ चले। आज के दिन की करंट अफेयर मैं उसी टोन में रन करूंगा, मंगलवार से नए चेंजेस के साथ आपको करंट अफेयर मिलेगा। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग विथ फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। जैसे हेडिंग है आपका, इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो है एक ट्राइलेटरल जो है डायलॉग में गया है। ट्राइलेटरल, दो देश जाते हैं तो बायलेटरल बोला जाता है, तीन देश जाते हैं तो ट्राइलेटरल बोला जाता है। तो आप सभी बच्चों का सुझाव था कि जब भी इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री का नाम आए तो मैं कंट्री का नाम, उसकी करेंसी, उसका कैपिटल, उसके प्रेसिडेंट, उसके प्राइम मिनिस्टर, इन सब का रिवीजन आपको कराऊं। सो मंगलवार से ये सारा का सारा काम मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और करंट अफेयर को आपके हिसाब से और अपने हिसाब से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। चलो इस मुद्दे को समझ लेते हैं। पहले तो मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि जब भी कोई एक देश, चलो देश को मैं एक पर्सन बना देता हूँ, दूसरा देश और तीसरा देश, जब ये लोग आपस में मिलते हैं, वार्ता करते हैं, तो इस वार्ता में होता क्या है कि ये कोई ना कोई एक मुद्दा लेके आते हैं। इस बार का जो मुद्दा था वो है इंडो पैसिफिक रीजन का मुद्दा। इंडो पैसिफिक रीजन, मान लीजिए कि ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको देख लीजिएगा, एक रीजन है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड मैप पे लोकेट करके भी देख सकते हैं। सो मैं आगे से कोशिश ये करूंगा कि आपको वर्ल्ड मैप पे भी लोकेट कराऊं, वर्ल्ड मैप का नक्शा लेके आऊं, और फिर वहां पे ये भी दिखा दूं कि इस रीजन को लेके बातचीत हो रही थी, ताकि जो करंट अफेयर है वो आपको और अच्छा लगे और समझ में आए। तो ये एक रीजन है, अभी के लिए आप इंडो पैसिफिक रीजन इसको देख लो। तो तीनों देशों ने क्या काम किया है, इस रीजन में एक मुद्दा रखा है। मुद्दा क्या रखा है कि इस रीजन में तीन के तीनों देश सुरक्षित तरीके से काम कर पाए, शांतिपूर्ण तरीके से काम कर पाए, समृद्ध तरीके से काम कर पाए, इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से नियमावली हो, एक नियम हो जिस पे तीनों के तीनों देश साइन करें और उसी रूल और लॉ को फॉलो करें, ताकि किसी भी देश को व्यापार करने में, उसके देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को लेके या अदर चीज़ों को लेके कोई वाद विवाद ना हो। तो जब भी इस तरीके का जो है कोई वार्ता होता है, तो हर देश के, मैंने इसीलिए पर्सन बनाया, हर देश को कोई ना कोई बंदा रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये इंडिया की तरफ से है, ये आपके फ्रांस की तरफ से है, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, तो इन बंदों का रोल बड़ा प्रमुख रहता है, क्योंकि ये हमारे देश को या उस देश को या तीसरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमें इनके नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलो इनका एक बार नाम भी देख लेते हैं कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। इंडिया को हर्षवर्धन श्रृंगला जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रेंकोइस डेल्ट्रे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो फ्रांसिस एडमिशन जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इन लोगों ने बातचीत की और एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई साहब हम यहाँ पे एक नियम बनाएंगे, हम सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेंगे। तो सिंपल सा जो करंट अफेयर में ये इन्फॉर्मेशन था वो यही है, और जो क्वेश्चन बन सकता है वही बन सकता है कि इंडिया फ्रांस के साथ साथ कौन सा तीसरा देश है जो इंडो पैसिफिक रीजन में ट्राइलेटरल डायलॉग के तहत
जो है बातचीत में आया था। तो ऑस्ट्रेलिया, इसमें से किसी भी दो देश को लेकर तीसरा देश का नाम पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग में गए थे, मुद्दा क्या था? तो मुद्दा इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर था। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में जाएंगे तो मेन मुद्दे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मुद्दे शामिल थे उस वार्ता में, तब आपको बहुत इनडेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। तो चलते हैं दिन की अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी ईरान आर्मी को लेके। ईरान आर्मी ने क्या काम किया, एक एक्सरसाइज किया हुआ है होमुर्ज। ईरान की नौसेना ने होमुर्ज के सामरिक जल डमरू मध्य में, होमुर्ज के सामरिक जल डमरू मध्य, अब जल डमरू मध्य क्या होता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप लोग तैयारी कर रहे हो इस वक्त गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की, तो आपको ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी में आता है जल डमरू मध्य क्या होता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में आपका काम है, क्योंकि मंगलवार से मैं करंट अफेयर के एक एक शब्द को, एक एक लाइन को और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। बात हो रही है ये ओमान सागर में होने वाला है, और ये एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज को नाम दिया गया है जोल्फाग्र 99। ये एक्सरसाइज को किया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जल डमरू मध्य। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है समुद्र में एक जगह है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पोत दिखाई दे रहा है। अब इसमें से जो ईरान आर्मी के अलग अलग टूल हैं युद्ध करने के लिए, उनका परीक्षण किया गया। इसमें से नौसेना के युद्ध पोत हो गए, पनडुब्बी हो गई, विमान हो गए, ड्रोन हो गए। इनकी सतह से सतह, मतलब यहाँ सतह, इस सतह से दूसरी सतह तक, पानी के नीचे नहीं, हवा में ऊपर नहीं, सतह से सतह मार करने वाले जितने भी आपके क्रूज मिसाइल होते हैं, जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स होते हैं, उनका परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण क्यों किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। ये देखा जाता है कि जब बाहरी अटैक होगा तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, जो मिसाइल्स है, वो परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है। तो इसके लिए ईरान की आर्मी ने एक एक्सरसाइज जो है वो किया, और इसका नाम रखा गया है जोल्फाग्र 99। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिन के अगले करंट अफेयर की तरफ मूव करेंगे। मैं आज आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब भी हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं भी समझ रहा हूँ और मेरी जानकारी के हिसाब से आप भी समझ रहे होंगे कि अगले डे का जब करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा तो मैं क्या क्या परिवर्तित करके लेके आऊँगा। अभी आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी है जो करंट अफेयर में आपके साथ होती थी, क्या चीज़ें ऐसी है जो करंट अफेयर में नहीं होती थी। तो इसके लिए मंगलवार से मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर रहूंगा आपको पूरी तरीके से नॉलेज देने के लिए। अगले खबर में डिस्कस करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च्ड एरो इंडिया 21 वेबसाइट एंड स्पेस बुकिंग ओपन्स फॉर एशिया लार्जेस्ट एरो शो। देखो, एशिया का एक लार्जेस्ट एरो शो होता है जो इंडिया कंडक्ट करती है। अब एक बात समझिएगा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने क्या काम किया है, एरो इंडिया 2021 इसके लिए ना एक वेबसाइट लॉन्च की है। और इस वेबसाइट को लॉन्च करने का रीज़न क्या है कि जैसे इस वक्त चीज़ें चल रही है कि ज़्यादातर चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, तो इसमें इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये एरो शो जो होने वाला है वो 3 फरवरी से 7 फरवरी तक बेंगलुरु में होगा, बेंगलुरु के एक वायुसेना स्टेशन पर होगा। एरो शो है तो आपको पता है कि वायुसेना का ही रोल रहने वाला है, जैसा कि नाम वैसे इजी है। हमारी जो वायुसेना होती है वो क्या करेगी, आसमान में भाई शो करके दिखाएगी, क्लासिक। मतलब एक होता है ना कि शक्ति प्रदर्शन करना, तो आसमान में हमारी जो वायुसेना वो शक्ति प्रदर्शन करेगी, और ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होता है। और ये बेंगलुरु में जो स्टेशन, उसका नाम है एलहंका में जो है आयोजित होने वाली है। इसके लिए aeroindia.go.in इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसके लॉन्च करने के पीछे का रीज़न क्या है कि इस एरो शो से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब यही वेबसाइट होस्ट करेगी, और यही वेबसाइट जो स्ट्रीम करेगी। जैसे YouTube है, YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें इस पे स्ट्रीम होती रहती है, YouTube होस्ट करती रहती है, तो ये जो वेबसाइट है ये एरो शो को होस्ट करेगी। तो ये चीज़ जो है लॉन्च की गई है। सो इसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है सरोद पोर्ट को लेके। सरोद पोर्ट एक टाइप की जो है समिति है, ये समिति का शुभारंभ किया गया है, और इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री, जिनका नाम है मनसुख मंदाविया। अब ये समिति है किस तरीके की, पहले अपन लोग समझेंगे। ये जो समिति है वो है कि विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए समिति, मतलब किसी भी तरीके का विवाद हो रहा है उसको किफ़ायती तरीके से सुलझाने वाली समिति है, इसी को नाम दे दिया गया सरोद पोर्ट। अब ये पोर्ट जो है वो पोर्ट्स आप समझिए क्या होता है, पोर्ट्स जो होता है उसको बंदरगाह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बंदरगाह को बोलते हैं। कहने का मतलब है बंदरगाह में जब भी विवाद हो रहा है, पुराने विवाद, नए विवाद, किसी तरीके के विवाद है, उन विवादों को निपटाने के लिए सरकार की तरफ से एक पहल है।
तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं कि ये सरोद पोर्ट क्यों बनाया गया है, इसके मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं और बेसिकली इसका एम क्या है, काम क्या करने वाली है। सरोद पोर्ट की जो स्थापना है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई है। अगर बात करें इसके सदस्यों की, तो जो पोर्ट्स होते हैं दो तरीके के पोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं सरकारी, एक होती है आपकी गैर सरकारी। सरकारी जो पोर्ट्स होते हैं उनकी जो है एक अपनी एसोसिएशन होती है जिसको बोलते हैं इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, आईपीए बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईपीए। और दूसरा होता है गैर सरकारी, गैर सरकारी जो होते हैं उनको बोलते हैं इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन, इनके जो एसोसिएशन होते हैं आईपीटीटीए। तो इनके जो सदस्य थे इन्हीं के सदस्यों को निकाल के सरोद पोर्ट में डाल दिया गया है, सरोद पोर्ट में डाल दिया गया है। अब ये जो समिति बनाई गई, समिति का मेन जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि बंदरगाह पे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लाइसेंसधारी होते हैं, कुछ रियायत प्राप्तकर्ता होते हैं, कुछ ठेकेदार होते हैं, इनके आपस के बीच में विवाद होता रहता है। तो इनका जो मेन काम है इनके बीच में मध्यस्थता करके उन सारे के सारे विवादों को तकनीकी रूप से, ध्यान रखिएगा तकनीकी रूपों से, किफ़ायती दर में और समयबद्ध तरीके से समाधान कर पाएँ। अब जैसे कि जब भी कोई विवाद होता है तो विवाद अगर बड़ा हो जाता है तो कोर्ट तक जाता है और कोर्ट के फैसले आपको भी पता है 5 साल 10 साल 15 साल कब आए पता नहीं चलेगा। इससे क्या होता है जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है, बैठ जाता है, पूरा कार्य रुक जाता है। तो सरकार की एक पहल है कि उन्होंने एक समिति बना दी, और समिति बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो समिति बीच में बैठेगी, मध्यस्थता करेगी और दोनों को आपस में बातचीत कराएगी और जो फैसला करेगी वो दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट की एक पहल है, तो इससे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा आसानी से विवाद जो है वो सुलझ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अगले जो है न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे, अगला न्यूज़ जो है हमारे जो है इंडियन पोस्ट को लेके। देखो इंडियन पोस्ट की एक पहल है, उन्होंने एक योजना निकाली है 5-स्टार विलेज स्कीम, ये इन्होंने निकाली है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वो क्या काम करने वाले, वहाँ के जितने भी गाँव हैं उन गांवों में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे उनका टारगेट है कुछ ये 5 पॉइंट, आपको दुधला दुधला दिखाई दे रहा होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ कि वहाँ पे सेविंग बैंक खोलना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना, मैं ये जो है आपको पीडीएफ दूंगा तो उससे रीड कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और यहाँ पे एक और नाम है आपका फंडेड पोसा लिंक्ड आईपीवीवी अकाउंट, और प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 5 चीज़ें हैं क्या काम करने वाली है, जो इंडियन पोस्ट है वो वन स्टॉप शॉप बनाने वाली है। इसका काम क्या होगा, गांव में इन 5ों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और जिस गांव में 5ों चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी उसको 5-स्टार रेटिंग दिया जाएगा, जिसमें 4 होगी 4-स्टार रेटिंग दिया जाएगा, जिसमें 3 होगी 3-स्टार रेटिंग दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के ग्रास रूट लेवल तक अमूल चूल परिवर्तन करने के प्लान के तहत ही महाराष्ट्र में 5-स्टार विलेज स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, ताकि इन 5ों सुविधाओं को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि जो इंडियन पोस्ट ने 5-स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की है उसकी शुरुआत कहाँ से की है, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से किया है। इसके बाद अगली खबर की तरफ मूव करेंगे, अगली खबर है यूनिसेफ को लेके। यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन, और इन्हीं को एडवोकेट बनाया हुआ है। और बेसिकली है क्या, शॉर्ट में समझते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लास्ट वाले लेक्चर में भी समझा था। अब इसमें है क्या, अभी जैसे आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, शिशु होते हैं 5 साल 10 साल तक, उन पर बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे बच्चों की तस्करी की जाती है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यूनिसेफ का काम क्या करना है कि इन बच्चों पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको मॉनिटर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। कोविड-19 की वजह से ये चीज़ें और बड़ी होने वाली है, तो उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट की तरह। अब ये क्या काम करने, ये पैरवी करने वाले, ये क्या काम करने, ये पैरवी करने वाले, ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं चीज़ों को, कि जिस भी तरीके का यूनिसेफ जो है काम कर रही है उनके प्रयासों में ये समर्थन करेगी। और इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जो बच्चे हैं, बच्चे के प्रति जो हिंसा है, उनके प्रति जो दुरुपयोग है, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और इस चीज़ को, मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है, ये रिप्रेजेंट करेंगे आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को सभी लोग जानते हो, मैं जब भी इनका चेहरा याद करता हूँ तो मुझे इनकी पहली मूवी जो मैंने देखी थी विकी डोनर याद आती है। सो इसके बाद दिन के अगली खबर की तरफ चलेंगे, और ये अगली खबर गुजरात से है। गुजरात ने क्या किया, अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति जो है
ये इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। तो फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी इन्होंने घोषित किया है। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ और बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। गुजरात सरकार ने एक अच्छा काम क्या किया, एक अच्छा काम ये किया है कि 1950 के पहले की जितनी भी इमारतें थी, जितने भी महल थे, जितने भी स्मारक थे, जितने भी किले थे, इन सभी को जो धरोहर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता था, जो टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट आते थे उसको विजिट करते थे, देखते थे, चले जाते थे, अब इनको क्या किया है, अब इनको उन्होंने धरोहर होटल बना दिया है, धरोहर म्यूजियम बना दिया है, धरोहर रेस्टोरेंट बना दिया है। इससे क्या है कि जो टूरिस्ट जो आते हैं अब इनका एक अलग तरीके से इस्तेमाल और अनुभव कर पाएंगे। लाइक धरोहर होटल, जितने भी महल हैं उनको होटलों में कन्वर्ट किया जा सकता है, किले हैं उनको अलग तरीके से जो है रेस्टोरेंट या होटल में कन्वर्ट किया जा सकता है या म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो भी हमारी पिछली जो चीज़ें हैं उनको इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद होना क्या है कि भाई देखो, एक तो जो टूरिस्ट आएंगे वो अनुभव बेहतर कर पाएंगे और वहाँ के जो लोकल लेवल पे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा, सरकार को फंड मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी बहुत बेहतर है और इस तरीके की पॉलिसीज मेरा मानना है कि लगभग हर स्टेट की सरकार को लेना चाहिए। सो मेरा मानना है कि अब अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किले देख के नहीं आएंगे, वहाँ के महल देख के नहीं आएंगे, पैसा पे कीजिए और महल में आराम से सोइए, लेटिए, मज़े लीजिए, लेकिन पैसा भी चुकाना पड़ेगा आपको। इसके बाद दिन के अगले खबर की तरफ जो है मूव करेंगे, यह है प्रधानमंत्री आयुष योजना को लेके। पीएम ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है 1.75 लाख हाउसेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1.75 लाख हाउसेस का इनॉग्रेशन किया है। 2016 में एक स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में, इसके को लेके, इस चीज़ को लेके, इनकी योजना को लेके माना गया था 2022 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2 करोड़ जो है मकान बना देंगे ये, और बेसिकली ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास, सुलभ आवास पहुंचाने की योजना बनाई थी कि 2022 तक 2 करोड़ आवास पहुंचा देंगे। तो जो लोग फाइनेंशियली चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसमें क्या होगा कि इनकी इस योजना के तहत सारे के सारे लोग अपना मकान ले पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, सब्सिडी भी दिया है, 1.2 लाख रुपये का जो है सब्सिडी दिया है, जिसमें से 60% केंद्र सरकार और 40% जो है राज्य सरकार वहन करने वाली है। अब आपको भी याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, आपके गार्जियंस ने प्रधानमंत्री जो है आवास योजना के तहत फॉर्म भरा होगा, शायद मेरे घर वालों ने भी भरा है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सोचिए कि उनके फॉर्म का क्या हुआ। प्रधानमंत्री की जो योजना थी, ये योजना गरीबों को अपना मकान देने के लिए थी, 2 करोड़ मकान बनाने की थी। सो अभी क्या है, मध्य प्रदेश में 1.75 लाख जो है ये हाउसेस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है लॉन्च हो रही है, जिसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने ही हाथों से। इसके बाद अगले खबर की तरफ चलेंगे, ये है मेघालय से। मेघालय ने लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी मिशन। अब पिगरी मिशन क्या है, पिगरी पिग से रिलेटेड है, और बेसिकली क्या होता है कि आपका जो मेघालय है वो बहुत सारे जो है पिगरी मतलब शुअर, पिग बोलते हैं इसको हिंदी में, सुअर बोलते हैं। और हमारे इधर पे क्या होता है, हमारे इधर हमारे जो माँ बाप होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो ये हमको भी सुअर बोलते हैं। आपको भी कभी किसी ने सुअर बोला होगा, आपके माँ बाप ने बोला होगा, चाचा चाऊता आया था, किसी ना किसी ने बोला होगा, मामा मामी ने बोला होगा। मुझे नहीं पता कि आप बहुत सज्जन लड़के हो जिसके माँ बाप ने कभी सुअर नहीं बोला। हमने तो बहुत बचपन में सुना है कि तुम बहुत सुअर हो, बहुत बदतमीज हो। अभी भी कई बार क्या होता है कि मम्मी बोल देती है बड़ा होने के बाद भी। तो बेसिकली होना क्या है यार, देखो यहाँ पे एक बात समझो कि वहाँ पे क्या होता है कि इसका मांस आयात होता है। ये आयात को रोकने के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा मिशन बनाया है कि वहाँ पे क्या होगा कि इसका पालन होगा। पूरा एक बैंक खोल दिया, बैंक में क्या होने वाला है, एक उत्तम कोटि का जो है आपका सुअर बनाया जाएगा, पाला जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको काट के मांस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब मांस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इससे क्या होगा, 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के जो है पोर्क वार्षिक आयात को कम होगा। पोर्क होता क्या है, पोर्क को बोलते हैं सुअर का मांस, पोर्क सुअर के मांस को बोलते हैं। तो वहां पे भाई साहब मेघालय सरकार ने यह फैसला किया कि नहीं नहीं बाहर से मत मंगाओ, हम पिगरी बैंक बना देते हैं और सबसे बड़ा बैंक बना देते हैं। हम यही उत्तम कोटि के क्या काम करेंगे कि सुअर का पालन करेंगे और हम पोर्क बनाएंगे, और पोर्क
इस तरीके का बनाएंगे कि 3 वर्ष में 150 करोड़ रुपए के पोर्क का जो है आयात जो है वो कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लोग इस मांस का उपयोग करते हैं, हमारे इधर तो खाते ही नहीं है, हिंदू धर्म में तो खासकर नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये खाया जाता है। सो मेघालय सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया हुआ है। सो पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, किसानों को ये बोल रही भाई साहब इसका पालन करो, ठीक है हम तुमको बगैर ब्याज का पैसा देंगे, ऋण लो पर ब्याज मत दो, ब्याज हम देंगे बैंक्स को, आप सिर्फ पैसा लो, हमको पैसा लौटाओ और ये पिगरी बैंक के तहत आओ और आप जो है सुअर का पालन करो, पिग का पालन करो, उसे बड़ा करो और फिर उसके मांस का तैयारी करो। बेसिकली समझ गया ना मेरे कहने का मतलब। अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। अगली खबर है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखो एक रैंक बनाई गई है, एक कैटेगरी बनाई गई है, जो भी हमारे भारत के स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको लेके एक रैंक बनाई गई है कि कौन सा ऐसा जो है राज्य है वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला। अलग अलग तरीके के पैरामीटर है, इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, एक एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप, और इसका जो है परिणाम है वो घोषित किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इनका नाम है पीयूष गोयल, बहुत चर्चे में रहे हैं दिल्ली में, मुझे याद है मैं अरविंद केजरीवाल को एक समय पर बहुत फॉलो करता था, तो इनका नाम भी उस वक्त बहुत सुना है, इनके भाषण भी मैंने बहुत सुने हैं। सो यहाँ पे जैसे फिगर है थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रखा होगा, एक एक्स कैटेगरी एक वाई कैटेगरी है। वाई कैटेगरी में जो रखा गया है अंडमान निकोबार आइलैंड को रखा गया, चंडीगढ़ को रखा गया, नागालैंड मिजोरम एंड सिक्किम को रखा गया, इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे एक्स ग्रुप में रखे गए हैं। इसमें 22 राज्य और 3 केंद्र प्रशासित राज्यों ने भाग लिया है। सो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने राज्यों ने भाग नहीं लिया है और कितने केंद्र प्रशासित राज्यों ने भाग नहीं लिया है, ठीक है। इसके अंदर 30 एक्शन पॉइंट होने वाले हैं, 7 व्यापक सुरक्षा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसके अंदर जो है संस्थान में समर्थन, आसान शिकायतें, सार्वजनिक खरीद, इन मानदंडों में कितनी ढील है, उष्मायान समर्थन आदि सभी कुछ शामिल है। शामिल करके ये रिपोर्ट निकाली गई है और निकालने के बाद 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक एक्स कैटेगरी एक वाई कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैरामीटर है कि कौन बेस्ट परफॉर्मर है, कौन टॉप परफॉर्मर है, कौन लीडर है, कौन एस्पायरिंग लीडर है, कौन इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्टार्टअप्स के लिए इमर्जिंग सिस्टम है, जहाँ पे स्टार्टअप अगर स्टार्ट हो तो फले फूले खेले और कूदे। तो कुल मिला जुला के जो न्यूज़ है आज के न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है कि 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक ग्रुप एक्स है एक ग्रुप वाई है। सो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा न्यूज़ फटाफट, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भाई दक्षिण दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वो अपने आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों को लेके किस तरीके से आपस में सहयोग कर रहे हैं, ये जब दिन रखा जाता है तो उस दिन पे ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है कि ये सारे के सारे देश जो दक्षिण दक्षिण में पाए जाते हैं वो अपने आर्थिक, राजनीतिक जो है और सामाजिक मुद्दों को एक दूसरे के साथ कैसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे और अगला सेक्शन हमारा वन लाइनर। वन लाइनर में पहला जो है स्टेटमेंट हमारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुआ है, फ्रांस के बीच में हुआ है। किस देश द्वारा ओमान सागर में जोलफाग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया गया है, ईरान में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी, बेंगलुरु से की जाएगी। किस राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है, गुजरात ने की है। इंडिया पोस्ट की 5-स्टार विलेज योजना पायलट आधार पर कहाँ शुरू की जाएगी, ये महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग DPIIT ने स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की श्रेणी में एक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है, गुजरात का रहा है। और एक बार इसको वापस देख लेते हैं क्योंकि हमने इस चीज़ को डिस्कशन नहीं किया हुआ है। अगर एक्स ग्रुप की बात करें तो जो यहाँ पे देखिए गुजरात का सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा हुआ है, यहाँ पे लिखा ना बेस्ट परफॉर्मर, और इसमें कोई भी वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया गया, अलग अलग तरीके से दिया गया है, बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, और आपका दिया हुआ इमर्जिंग स्टार्टअप, और एक दिया हुआ एस्पायरिंग लीडर्स। सो बेस्ट परफॉर्मर हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा वाई कैटेगरी में जो ये पूछा जाएगा वो है अंडमान एंड निकोबार।
तो ये दो नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगला जो है वन लाइनर लेंगे हम अपन लोग, यह है हाल ही में लॉन्च किया गया सरोद पोर्ट्स किससे मिलकर बना है, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन IPA और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन IPTTA। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किसको बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, आयुष्मान खुराना को बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2020 को PM आवास योजना ग्रामीण के तहत किस राज्य में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है, मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिग्री मिशन लॉन्च किया गया, यह मेघालय है। और हर साल विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। यहाँ तक आते आते लगभग करंट अफेयर याद हो जाते हैं MCQ में, फटाफट जुबान पे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप नाम लेते जाइए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में जो है त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट की 5-स्टार विलेज योजना पायलट आधार पर कहाँ शुरू की गई है, ये शुरू की गई है आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद है किस राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है, ये की है आपकी गुजरात ने, 1950 के पुराने जितने भी थे उनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। हाल ही में लॉन्च किया गया सरोद पोर्ट्स निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है, ये आपका IPA से बनकर मिला है, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन IPTTA। तो ये है आपका IPA और ये है आपका IPTTA। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, ये है किया जा रहा है ईरान के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी, बेंगलुरु द्वारा की जाएगी। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किसको बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया हुआ है, यह है आयुष्मान खुराना जी को बनाया हुआ है। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2020 को PM आवास योजना के तहत किस राज्य में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है, ये है मध्य प्रदेश में किया है इन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिग्री मिशन लॉन्च किया है, मेघालय सरकार द्वारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें हम, उद्योग और आंतरिक व्यापार समंदर विभाग DPIIT ने स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के श्रेणी X में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किस राज्य का रहा हुआ है, ये रहा हुआ है आपका गुजरात का, इज यहाँ पे बहुत रहता है स्टार्टअप के लिए। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, हर साल विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा और मंगलवार से आप लोगों को करंट अफेयर एक नए फॉर्म में मिलेगा, एक नए तरह कैसे मिलेगा, जिससे आप कम समय में ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे।